चैनल पे ले गया था उन्होंने अलग अलग बातें रखी इसी मामले बड़े का नहीं बनेगा करेंगे सीमा रोड किया गया है डोंगड़ा में आ रहे हैं अगले महीने और हमारे कागज ले लिए हैं सीएम साहब खुद बताएंगे मुख्यमंत्री जी ओ भाई सरदारो अभी सीमा सीएम साहब बाहर आ रहे हैं वो कुछ बोलेंगे सुन लो भाई लोगों को ये मंजूर नहीं यहाँ पर फिजिबिलिटी की बात लोग तालियां बजाते हुए कहीं खुशी घोषणा करवाने की बात कही जा रही है कि घोषणा करवाओ गाड़ियां आ चुकी हैं लोग कह रहे हैं कि भाई घोषणा ही करवाओ जिन्होंने नाइट ठहरा भी हासिल किया था और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये लोग जल्दी तरीके से बुलवाओ ये बात कमेंट में भी और वैसे भी जो है ना सामने जो पड़े क्या कह रहे जी ये झूठा आश्वासन दे रहा है सीएम झूठा आश्वासन दे रहा है क्या आश्वासन दिया अभी क्या कहा है उन्होंने ये कहा है कि भाई दोनों गांवों की कमेटी तैयार होगी कमेटी तैयार होने के बाद में फैसला लिया जाएगा ये झूठी आश्वासन दे रहे ठोस जवाब नहीं भाई संतुष्ट नहीं आप लोग ना ना बिल्कुल कोई मैं पूरा गांव संतुष्ट ना पब्लिक की समस्या और पब्लिक की सुनो इसमें क्या है पब्लिक का तो बनाया हुआ है इसने आके अपना अकेला वोट थोड़ी डाला है इसने कल यहाँ आप लोगों से जनसंवाद नहीं किया गया नहीं किया
आते इस घर में अंदर पड़े नाइट स्टे था। हाँ नाइट स्टे था भाई। तीनों विधानसभाओं का गढ़ है यहाँ पर आकर जो विवाद में है वो आगे गए, सब कुछ जनता के सामने गए। जो विवाद कुछ चारों साइड से रास्ते भी मिलते हैं आकर के, क्रॉस होता है और यहाँ पब्लिक कनेक्टिविटी है वो भी अच्छी रहती है, लोग जो आने में सुविधा भी मिलेगी हमें तो सारे यहाँ सेंटर। हमारे पास लैंड भी है और भी सुविधा है, सारे गांव का सर्कल है हमें, इसलिए यहाँ हमें चाहिए उसे। अभी जो आंसर आया उससे संतुष्ट है? उससे नहीं है जब तक मीडिया का आगे खुद सीएम नहीं कहें कि हमें आपको कुछ देख के जा रहे हैं, जब हमें संतुष्टि हो गई। ऐसे अंदर क्या बात हो रही है हमें पता ही नहीं है, तो क्या है क्या नहीं है, हम खुद आके कहें कुछ तो स्पीड में हम वो आपको देंगे जब हमें संतुष्टि होगी, ऐसे नहीं होगी। जी 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 लोकेशन के हिसाब से कन्या यहाँ से 22 किलोमीटर पड़ता है और अगर सीमा बनती है तो वहाँ सीमा नजदीक पड़ता है। तो हमारी एक मांग, सबसे पुरानी मांग है, पुराना गांव है जी और चारों विधानसभा क्षेत्र सेंटर में आता है, तो इसलिए ये बनाई जाए। हमारी एक ही मांग, सब कुछ वहाँ डिवीजन वहाँ गया, लड़के कॉलेज वहाँ गया, पावर हाउस यहाँ गया, तो यहाँ कुछ तो दो हमें, हम अपना हक मांग रहे हैं, हम जायज मांग रहे हैं, हम भीख नहीं मांग रहे, हम घोषणा घोषणा यहाँ करो, बहुत पुरानी मांग। अभी जो मिलने गए थे उन्हें जो कहा है उसे संतुष्ट है? उसे संतुष्ट है लेकिन वो लिखित में हो जाता या फिर आकर हमें मीडिया के सामने बताए या तो लिखित में देते हो आश्वासन। लोग मांग रहे या तो लिखित में दे सीएम साहब या फिर यहाँ पर बारिश हो रहा है। सारी राज्य का अगला कार्यक्रम जो है उसका समय 10 बजे था लेकिन अभी तक तो निकले नहीं है सीएम साहब। आई आपके आसपास अगर ऐसा कार्यक्रम है जन संवाद का तो आप लोग वोटिंग कर रहे हैं और खुशी है जो घोषणा हुई है उससे या दुख है कौन आया था? सीताराम बाहर मुंह निकाला था अभी गेट बंद करके इधर चला गया। अरे गांव से बाहर होना चाहिए, यही है बस, और कुछ नहीं। अलाउंस बाहर करो और थक हाथ जोड़ के बाहर जाए पैसे चला जाए। वालों को बाहर रहने दो, मीडिया वालों को अंदर बुलाकर लाके घोषणा करवा दे मीडिया में, हमें ये नहीं कि हमारे सामने आए, वहीं से मीडिया में घोषणा करवा दे। तीन हाथ मैं तो बोला क्या करवा चाहते बावड़ा है बेकार। अरे ये तो भाई नाम तो है मान अभी गेट खुल गया है पूरा, सीएम साहब निकलने का समय लगभग हो सकता है हो ही गया। रोड से उधर जाना चाहे कोई भी ऐसा कहा गया कि नहीं जाना। अभी दोंगड़ा अहीर से निकल रहे हैं सीएम साहब, आपके सामने दिख रहे होंगे बिल्कुल सामने आपको। सीएम साहब आपके सामने आ चुके हैं, हो सकता है कुछ कहेंगे लोगों को। सुनील सही कह रहे, सुनील से बोलने नहीं पड़ेगी वीडियो। रंजन 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 अब आगे आगे मत। अरे नहीं अरे भाई साहब भाई साइड में राजन राजन एक बाइट करवा देना इस पे राजन।
थोड़ा सा और पीछे गाड़ी आएगी, कमांडो आए ना, माइक पहुंच चुका है जी। हमारे इस दोगड़ा ही गांव के बुजुर्गो नौजवान साथियों भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। लोगों ने मेरे रात्रि यहाँ गांव में की है, क्योंकि ये बात मैंने कही, ये बात में रात का जो कार्यक्रम सोने का सुने का अगर आप लोग स्वीकार करें, सीताराम जी विधायक साहब से कहा तो मैं वहां करके रुक सकता हूँ। इन्होंने आपसे बातचीत करके और यहाँ व्यवस्था की, तो मैं सीताराम जी का भी आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही जो दूसरी बात आई है इस गांव की या इस इलाके की मांगों के बारे में, एक मांग पत्र आपके यहाँ के पांच लोग 11 लोगों की जो कमेटी थी उन्होंने मांग पत्र मुझे दिया है, और उसमें जो मुख्य मांग है वो यहाँ सब तस्वीर बनाने की एक मुख्य मांग है। थोड़ा इधर माइक आ रही है, तो वो मुख्य मांग की थी। ये बात ठीक है कि जहां मुझे जाना होता है हमारे अधिकारी रिपोर्ट वहीं की बना के देते हैं, क्योंकि इस विधानसभा के कार्यक्रम मेरे और एक महीने बाद होने वाले हैं, तो शायद उस समय यहां की रिपोर्ट वो मुझे देते, लेकिन यहां की कोई रिपोर्ट मेरे पास पहले नहीं थी, सीमा की रिपोर्ट मेरे पास थी। अरे सुनो सुनो, ये ठीक है आपके विधायक ने बात, क्योंकि सारी चीजें मैं तो एक साथ ध्यान नहीं रख सकता। अब यहाँ चूंकि अगले महीने का प्रोग्राम बनता तो मुझे वो रिपोर्ट जरूर मिल जाती। अब आज चूंकि आपकी रिपोर्ट मिली नहीं थी, जब आपके यहाँ के 11 मेंबरी कमेटी ने मेरे सामने बात रखी है तो मैंने इनको बता दिया है कि अब वहाँ हमारी एक कमेटी बनेगी 3 लोगों की, जिसमें अधिकारी होंगे, मंत्री होंगे, और जो भी चीज सीमा में की है वही चीज यहाँ भी एक साथ दोनों का विचार करेंगे। और इस गांव के इस इलाके की जितने भी काम हैं उन पर पूरा तशद्दुद से काम करके और आपको आके बताएंगे, कोई काम छोड़ेंगे नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उप तहसील बताया ना, उप तहसील का विचार जरूर करके अगले महीने आके उसकी घोषणा करेंगे। कैप्टन ने अभी बताया कि सीएम साहब जो है यहाँ से जाएंगे, नाम स्टेशन कार्यक्रम भाई तो उसी यहाँ से अगले बात करेंगे यहाँ के। यहाँ कोई बात नहीं होनी, सरोज में बात सुनी ले और कैप्टन साहब यहाँ पर सिंह में सीएम महोदय नागेश्वरी कार्यक्रम जनसंवाद का, और यहाँ से 10 मिनट की दूरी, उसके बाद नागेश्वरी में जनसंवाद है उनके लिए। बाकी आप कैसे की कवरेज आप कमेंट बॉक्स में नोट करके दर्शन बताएँ। पूरा काफिला जो है उनका यहाँ से जा रहा है, और लोग हैं अहमदाबाद के नारे लगा के नजर आ रहे हैं यहाँ पर, और ये अहमदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये आप देखिए काफिला किस प्रकार,
बसों में जाए जो बसें हैं काफी लंबा काफिला आपको मिल जाएगा। बस मेरे हिसाब से अगली गाड़ी जो है ना पहले पहुंच जाएगी, नांगेश्वरी पिछली गाड़ी यहाँ रहेगी, ऐसा होता है। 10 मिनट का काफिला, मतलब 10 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट का काफिला। तो साथियों आपको कैसी लगी कवरेज कमेंट बॉक्स में लोग यहाँ पर सुबह से खड़े थे और सुबह 7 बजे से 7:30 बजे तक और लोग रात से कुछ लोग विरोध कर रहे थे कि सुबह आगे फिर ये रस्सी आप देख रहे होंगे, इस रस्सी के बाद जो लोगों को रोका गया महिलाओं की साइड भी और पुरुषों की साइड भी। और अब जो है वहाँ साहब पहुँच चुके हैं, मतलब जा चुके हैं नांगली से पहुँचने वाला है, मतलब जितने लोग थे उतने ही पुलिस थे, अपने आप में पुलिस सिक्योरिटी के अंदर की बात थी। और यहाँ पर अभी उप तहसील के मामले में जो बोल कर गए हैं लोग सेटिस्फाई भी नजर नहीं आ रहे और लोग बात कर रहे हैं। और यहाँ क्षेत्र में पिछले 10 सालों से धोखा अहीर और आसपास के 40 गांव के लोगों ने धोखा अहीर को सब तहसील बनाने की लगातार मांग की हुई है, जिसके लिए एक बार मुख्यमंत्री खट्टर साहब भी घोषणा करके कर चुके हैं। इसके बावजूद दोंगड़ा अहीर को नजरअंदाज करके और आज यहां रात्रि विश्राम के बावजूद दोंगड़ा अहीर के लोगों पर दोंगड़ा अहीर व आसपास के गांव की उम्मीद पर तुषाराबाद कर दिया गया है, ये एक तरह से मात्र गोली देने का काम किया है। अगर मन से उनके ये है कि भाई ये दोंगड़ा अहीर को सब तहसील बनाना चाहिए तो आज सारी बातें थी, सारा गांव इलाका मौजूद था, घोषणा करनी चाहिए थी। ऐसा जी 14 घंटा से काम रुक से इतनी बेइज्जती कर दी। हाँ, मुख्यमंत्री कितनी बेइज्जती को छोड़ दिया, ये भी एक बात है, सामान्य बात नहीं है कि भाई जिस गांव ने उनको अन्न खिलाया, जिस गांव ने उनको आराम दिया विश्राम दिया, उस गांव को देने की बजाय उनके उम्मीदों पर पानी फेर के जा रहे हैं। तो ये मैं कहता हूँ कि भाई स्थानीय प्रतिनिधियों का भी और मुख्यमंत्री का भी एक तरह से गलत व्यवहार है। क्षेत्र के लोगों की उम्मीद पर खरा उतरने के लिए जल्द से जल्द अधिसूचना जारी करें और अधिसूचना जारी करके उप तहसील के साथ साथ दोंगड़ा अहीर को और भी अन्य सुविधाएं देनी चाहिए, जैसे यह कृषि विश्वविद्यालय बनाया जा तो ले ली, लेकिन इसमें तो वो कहते हैं झूठ को तो का मुखिया चलता है उसी माँ वालों की ये मांग थी तो उनके ऊपर दबाव डाला गया, तो स्टेज से उन्होंने कोई घोषणा नहीं की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई तो उन्होंने फैसला कि हाँ ठीक है भाई बढ़ा दें। पर अब उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम एक कमेटी बनाएंगे, उसमें मंत्री अधिकारी होंगे और जिसकी जो सही से मैं रिपोर्ट लूंगा, और अगले महीने जब यहाँ का दिल्ली विधानसभा का मेरा विजिट दौरा होगा उसमें मैं घोषणा कर दूंगा, उसमें घोषणा कर दूंगा। मैंने फिर उनसे दो बार 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 कहा कि ईमानदारी से कमेटी काम करती है, काम करती है तो ठीक है। बताओ मीडिया के सामने अजी ये कह गए कि भाई जब लगे दोनों गांवों के पूरे के विधायक और उनके मंत्री जी दोनों मिलके लोड पूरा हो जाएंगे ना उसी को बनाएंगे, अब नहीं बनेगी सीमा, अब नहीं बनेगी, अब सीमा नहीं बनेगी, कागज पूरे नहीं हुए अभी कुछ भी, खाली मैंने बोल दिया, खाली मैंने बोल दिया कि भाई वो भी मैं उसमें नहीं बोला, वैसे बोला परेश वालों के पास, अब भाई परेश वालों ने पूछा भाई क्या उपलब्ध के लिए, जब बोले दे दिया
उन्होंने कहा भी बढ़ेंगे तो दोनों जगह बढ़ेंगे, दोनों जगह नहीं है, पता नहीं। सीएम साहब से बात हुई है, सीएम साहब ने कहा कि जब मैं सीमा आया तो जो है ना वहाँ पे चर्चा हुई, तो दोंगड़ा और सीमा का गैप मेरे को नहीं पता था, भाई 7-8 किलोमीटर का ही है, नहीं वरना मैं वहाँ घोषणा नहीं करता। अब हम दोनों जगह की फिजिबिलिटी चेक करेंगे, ऐसे नहीं बढ़ाएंगे। और हमने ये भी बात रखी थी कि हमारे विधायक ने 3 बार वहाँ पे विधानसभा में ये चीज क्वेश्चन उठाया था, सीमा का उठा भी नहीं था, फिर ऐसा क्या कारण है वहाँ का? बोलो भाई मैंने ये समझा है गैप ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ की भी घोषणा कर देंगे। इसलिए जो है ना ये बातें हुई है, अब हम दोनों जगह की जो है ना फिजिबिलिटी चेक करेंगे ईमानदारी से, ऐसा नहीं होगा। अगर दोंगड़ा हिल में नहीं बनती तो क्या करेंगे? देखो जी फिलहाल तो आश्वासन जैसा सीएम साहब ने दिया है जब हम संतुष्ट है, बाकी कितना टाइम दिया है? अभी एक महीने का, एक महीने बाद दोबारा से अटेली में आएंगे, तब अटेली जो जनसंवाद करेंगे ना तो उसमें वो घोषणा करेंगे। अगर तो क्या कदम होगा? अगर नहीं हम उनका विरोध जो सरकार देखो जिस प्रकार से सीएम साहब बाहर आए, उन्होंने बताया कि मुझे पता नहीं था, पीछे यहाँ पर बहुत बड़ी रैली थी और उस रैली के अंदर भी उन्होंने आश्वासन दिया था कि दोंगड़ा के अंदर हम तहसील बढ़ाएंगे, तो इस तरह की बातें करना भी मुझे पता नहीं था। देखो नॉलेज तो सारी होती है, ठीक है, ये प्रकार से एक अपना पीछा छुड़ाना या किस प्रकार से क्या उन्होंने निर्णय लिया ये तो वो जाने, जिस तरह से कमेटी बनाएंगे, कमेटी बना के फैसला लेंगे, सीमा में और दोंगड़ा में दोनों जगह बना देंगे, तो दोनों जगह तो बढ़ नहीं सकती क्योंकि डिस्टेंस कम है। हम सारे इलाके का यही था जी, अगर वहाँ किसी दवा बनाना चाहते हो तो वहाँ को भी छोड़ दो, दोंगड़ा छोड़ दो, किसी और जगह बना दो, लोगों ने ये भी कहा है। तो अब वो तो सीएम साहब देखेंगे जी कहाँ बनाते हैं, अब फैसला हम उनके हाथों में दे दिया, एक महीने का टाइम दिया है, एक महीने तक वो कर देंगे, नहीं तो फिर लोग उनका विरोध करेंगे। मैं मुड़ियाखेड़ा का हालिया सरपंच महेंद्र सिंह उर्फ पवन कुमार यादव। आज जो मुख्यमंत्री जी दोंगड़ा अहीर में आए जी, और दोंगड़ा अहीर में रात्रि रुके भी, यहाँ गांव ने उनका जी भर के स्वागत भी किया, जिस तरह मेहमान का स्वागत होना चाहिए उससे बटके गांव ने स्वागत किया। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जिला महेंद्रगढ़ के केंद्रीय गांव, क्योंकि दोंगड़ा अहीर जिला महेंद्रगढ़ का केंद्रीय गांव है, यहां से नारनौल, महेंद्रगढ़, अटेली, कनीना सारे बराबर बराबर की दूरी पर हैं, और ये 40 गांवों को सीधा प्रभावित करने वाला गांव है, एक बड़ा बाजार जिससे 40 गांवों में सीधा सीधा प्रभाव है। पिछले 10 साल से इस गांव ने मांग की हुई है, क्षेत्र के सभी गांवों ने मांग की हुई है कि दोंगड़ा अहीर को सब तहसील बनाया जाना चाहिए, तो इसके कागज भी पहले से तैयार थे। मुख्यमंत्री ने फिर 2014 के बाद जबकि सरकार बनी थी, सरकार में इन्होंने घोषणा भी की, सारी बातें इसके बारे में बताई जा चुकी हैं। तो आज उनका फर्ज बनता था कि जिस तरह उन्होंने सीमा के लिए घोषणा की है उसी तरह दोंगड़ा अहीर के लिए घोषणा की जानी चाहिए थी। हालांकि कमेटी के लोगों ने अपनी पुरजोर मांग रखी है और अच्छे ढंग से रखी है, लेकिन कमेटी के लोगों को मेरी नजर में गोली दे दी गई है ताकि विरोध ना हो। होना यह चाहिए था कि तत्काल आदेश करना करे मुख्यमंत्री जी, और अधिसूचना में स्पष्ट लिखे कि आने वाले 2 महीने के भीतर भीतर ही यहाँ उप तहसील बनाई जाए, अन्यथा इलाका डटकर विरोध करेगा और भारी रोष। ठीक है।